गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जनवन किशन ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आयु बच्चे होंगे एंड हैप्पी रेन। आज हो रही है बारिश। मानसून बताया था 20 तारीख से, लेकिन बारिश हो रही है 27 तारीख से। 27 भी नहीं, आज हो गई है तारीख 28 तारीख हो चुकी है। और ये देखो बारिश हो रही है, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। तो बारिश की बूंदें, ये हो रही है बारिश। मानसून जल्दी आना था बट लेट आया है। अब सिद्धार्थ के स्कूल भी खुल जाएंगे 1 जुलाई से। हो रहा है स्कूल तो अभी मैं सो के लेट उठी हूँ थोड़ा, तो देखा मैंने बाहर बारिश का मौसम। मैंने थोड़ी बहुत हवा वगैरह चलती तो छत पे जाती वीडियो शूट करती सुबह सुबह की बारिश की, लेकिन अभी फिर यहाँ देखा तो सब सो रहे हैं। आज पापा जी ने भी सुबह मुझे नहीं उठाया, बारिश की वजह से टाइम से निकल गए होंगे जल्दी जल्दी। और पापा भी आए हैं कल दो धाम से, अभी वो भी सो रहे हैं। दो धाम में गए हुए थे, केदार एंड बद्रीनाथ। दिखा देती हूँ आपको, खराटे मार लाइटिंग देखो। अभी सो रहे हो पापा, तो उठेंगे तो मिलवाऊंगी मैं आपसे। शर्मा जी और सिद्धू उधर है, सिद्धू मेरे पास आके लेट गया था, सिद्धार्थ मेरे पास आके लेट गया था वहाँ पर। और मैंने कहा पापा उठ गए होंगे तो फटाफट नाश्ता बनाऊँ, क्योंकि पापा को क्या है कि मेरी तरह सुबह ही नाश्ता अच्छी होता है टाइम से, तो वही आदत मेरी है। और अब हमारी गाड़ी पापा ही चला रहे हैं। पहले हमने गाड़ी में ड्राइवर रखा था, तो पता है गाइस ड्राइवर एकदम नशेड़ी निकला एक ही दिन में। मतलब उसने अपनी ना दिखा दी थी कि बंदा ड्राइवर जो कहते ना ड्राइवर बदनाम होते हैं अपने काम अपने उससे, वही चीज़ थी। तो सबने मतलब एक दिन मुझे लेने ही आया, पापा जा रहे थे अपना दो धाम, पापा ने मुझे भेजा था, उसे भेजा था कि भाई बेटी ने आना है वहाँ से तो उसको लेके आ जाना, और देख लेना गाड़ी एक दो दिन चला के कैसे मतलब क्या है। तो पापा ने लोगों से बात करवा दी थी, मैं तो थी नहीं, मैं मायके में थी, तो इन लोगों ने बात की। अब रखा उसको एक दो दिन काम दे के देखा, लेकिन वही ड्रिंक तक तो चल जाता कि चल बंदा ड्रिंक कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन वो एक नंबर का चर्सी इंसान था, सुल्फा चरस वगैरह सब लेता था, तो हमें पता चल गया। तो फिर हम लोग सब काम से निकाल दिया। अब हम पापा ही चला रहे हैं गाड़ी, पापा के हैंड ओवर है हमारी गाड़ी। अब अभी आए पापा भी दो धाम से, रात को आए थे 10:30 बजे, खाना खा पी के अपना सो गए थे। और अब देखते हैं ब्लॉग आगे क्या शूट होता है। अंगूठी भी मम्मी के पास आ चुकी है, मेरी रिंग बहुत जल्द मेरी फिंगर में होगी। अब देखते हैं लेने जाएंगे या आएंगे, क्या होता है। बाकी जैसी आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिए ब्लॉग में। अब पुराने जितने भी ब्लॉग थे एक दो पड़े हैं, तो मैंने कहा नया ब्लॉग शूट कर लेते हैं। मायके के ब्लॉग अभी एक दो पड़े हैं जो कि आ जाएंगे, तो ये भी मैंने शूट कर लेती हूँ एक दो ब्लॉग। लगाए इधर बन रहा नाश्ता, सिद्धार्थ कह रहे हैं बातिश बारिश, बातिश ही बोलते बारिश। कहाँ रही है पार्टी? नाश्ता हो रहा है, नाश्ता बैठो अभी सिद्धू, अभी नानू का आ रहा है, फिर आपका भी बना रही हूँ फटाफट, गर्म गर्म खा लो। गए हैं बुकिंग पर, दिल्ली की बुकिंग आई थी तो गए हैं, दो दिन हो गए आए हुए ना, केदार बद्रीनाथ गए थे तो वहाँ से आ गए थे, तो अब गए हैं दो दिन बाद फिर बुकिंग में दिल्ली। मैंने कहा जाओ भाई आ गए, अभी तो गए थे, फिर इतने जल्दी आ गए दिल्ली से, जूते नहीं पहन रहे शूज़ पहन रहे हैं शूज़। ऐसी मजाक चलती रहती है हम लोगों की, ऐसी फ़नी है, हम लोग फ़नी मस्त रहते हैं अपनी मस्ती में। दिल्ली से हिमाचल की है, चंडीगढ़ की है, उधर कहाँ कहाँ की, दिल्ली से ही है। दिल्ली से ना चारों घुमाते रहेंगे, चारों कोने। तो वो कहाँ एड्रेस कहाँ है, शर्ट डाल लोगे इसके ऊपर जा रहे। तो भेजते हैं फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी तो कह रहा है कहीं भी भेज देना, आप कह रहे इधर लाओ हरिद्वार, हरिद्वार में क्या है क्या जोक मारते रहते हो पनी पनी। चार साहब की ना पकड़ो कोई, सात तारीख का टूर है ना, तो 6 तारीख की जोक देख लेना। तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं, इसलिए पूछा अगर कोई बाइक का उससे पैक क्लियर कर लो कि छोटी गाड़ी की टूटी है ना, अगर 3500 रुपये पूरे देगा तो खा लूँगा, अगर कम देगा तो बहुत गाड़ी। नहीं अभी मैं पूछ रहा हूँ ना, अगर बाइक चाहिए बीच में कोई चार धाम या दो धाम कोई सी भी आती है तो पकड़ सकता हूँ, कहीं भी मना कर दो मेरे को आप।
वो अभी चले गए हैं और नाश्ता मैंने करा दिया था पापा को और अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के फिर मिलते हैं आपसे। और गाइस गाड़ी फाइनली ड्राइवर को हमने हटा दिया, ड्राइवर बहुत ज़्यादा मतलब पैसा था ना बिल्कुल ही, बस बातें बड़ी बड़ी करता था लेकिन था कुछ नहीं, चर्सी एक नंबर का था तो उसको हटा दिया। पापा गाड़ी पापा के हैंड ओवर हो गया दोबारा, तो पापा गए बुकिंग में दिल्ली, अभी दो धाम से आए थे तो अब गए हैं दिल्ली। गाड़ी मतलब ये है कि ब्लॉग तो लेट जा रहे हैं मेरे क्योंकि मायके के ब्लॉग थे, वहाँ वाईफाई नहीं था, तो सारे ब्लॉग जितने भी हैं अब आ रहे हैं धीरे धीरे। अब लास्ट एक ब्लॉग मतलब डाल दिया मायके से विदाई का, जो जिसने नहीं देखा तो जाके देख लेना, और उसके बाद बड़मावस का बायने वाला ब्लॉग आएगा, उसके बाद मेरे आपको कंटिन्यू ये नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पापा देखो कब आते हैं, कह रहे थे पिकअप मिलेगा तो मैं वहाँ से आऊँगा, फिलहाल गए हैं दिल्ली बुकिंग पे हमारी गाड़ी लेके, तो मिलती हूँ नहा धो के रेडी हो जाऊँ, काम मेरा निपट चुका है सारा अच्छे से, नहाने जा रहे हैं, शर्मा जी भी नहाने गए हैं, थोड़ा बूढ़ा पैक के आएंगे, इतना मैं भी नहा लूँ, गर्मी लग रही है इन कपड़ों में बहुत। रेडी और मौसम हो रहा है बारिश वाला, बट बारिश हो नहीं रही, गर्मी पूरी है, उमस पूरी है, पर नहा के सीधा एसी ऑन करवाया है घाट से, देख सकते हो मौसम, धूप भी मतलब छाव धूप बादल सब है लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। परसों हाँ जो मैंने शूट की थी इसी ब्लॉग में शूट की है तो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं। शर्मा दीदी आ गए हैं पूरा बैठ के, आ गए हैं, बिल्कुल नाश्ता देती हूँ फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। किचन का सारा काम निपटा हुआ है, बर्तन वर्तन सब क्लीन है, तो सांस लेने देते हैं, पानी देते हैं, फिर मिलते हैं। बारिश हो चुकी है, गेट खोलो, ये अभी बारिश का बोल रहे थे और बारिश हो चुकी है, भगवान ने सुन ली। कभी कभी कहते ना सरस्वती बैठ जाती है जुबान पे, तो वही मेरे साथ हुआ है, तो अभी बारिश हो रही है, देख सकते हो बारिश की बूंदें, देखो अंदर करके मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम हो गया सुहाना और जाते हैं रील शूट करते हैं छत पे थोड़ी बहुत, मैं भी आता हूँ, ये देखो ताता देते। अब मैं यहाँ बना रही थी सिद्धार्थ का सूप, कह रहा भूख लग रही है सूप बना दो, सूप बनाने गई तो देखा तो बारिश, हम तो दूसरे वाले रूम में बैठे थे एसी वेसी ऑन करके, तो आए तो यहाँ बारिश हो रही है झमाझम, बारिश और मैं आ चुकी छत पे और भीग चुकी हूँ, रील शूट कर रही हूँ, ऐसे तेज आ गई थी, साड़ी वाड़ी पहनने का मौका नहीं मिला मेरा, बारिश बंद हो, साड़ी पहनते पहनते मैं रह ही जाऊँ, तो इसलिए मैंने फटाफट ऐसी आ गई जैसी थी। और यहाँ सिद्धार्थ भी आ चुका मेरे साथ, अमरा लगे खड़ा है, बाकी एक दो रील्स मैं डाल दूंगी वीडियो पे ही, फुल इंजॉय कर रहे हैं। मौसम वाकई में बहुत अच्छा हो चुका है, तो मैंने कहा भीग जाते हैं फिर पता नहीं करते हम लोग जब हम नहा चुके थे उसके बावजूद भी मैंने भीग ही गई हूँ, देखो नीचे जाके चेंज करेंगे, बाकी थोड़ा और वीडियो रील शूट कर लेते हैं। पीछे मैं बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा, कह रहे हमें भी वीडियो पे लेना, तो मैं बैक कैमरा करके जितना जूम हो सकेगा मैं उतना जूम लूंगी, वो भी उधर अपनी वीडियो शूट कर रहे थे, मैं इधर अपनी वीडियो शूट कर रही थी, तो उन्होंने पीछे से हाय हेलो किया तो मैंने भी हाय हेलो किया, तो कह रहे आपके चैनल का नाम क्या है, तो मैंने चैनल का नाम बता दिया, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, मिल गया उन्हें चैनल, कह रहे हमें भी अपनी वीडियो पे अपने साथ लेना, तो मैं बैक कैमरा करके करती हूँ पीछे, ठीक है। चिद्दू को पसंद नहीं है बारिश इसलिए वो लेके खड़ा है, तो मैं बैक कैमरा करती हूँ, बोलो जूम कर दिया मैंने, गए बच्चे हो चुका है हमारा सामने, उन्होंने भी यही सामने वालों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ा, कह रहे किस नाम से आपका चैनल, मैंने कहा इस नाम से है, कह रहे सब मिल गया सब्सक्राइब करते हैं, तो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो अब चलते हैं नीचे, पैकअप हो चुका है हमारा, चलो जल्दी चलो 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 अम्ब्रेला भी जाना भारी खोल के जल्दी कर दिया। सिद्धार्थ का सूप रेडी मैंने, पकड़ो दो चलो आपसे गिर जाएगा, वहाँ चल रहे हैं, और यहाँ शर्मा जी को भी भूख लग गई है, सुबह नाश्ता पूछा था मना कर दिया था, तो अब नाश्ता देने जा रही हूँ उनको, दिन के कितने बज रहे हैं इस टाइम, 2:39, पानी है सामने, फ्रिज बंद करो, हम भी है। नहीं दाल। तो हर पता नहीं बारिश से नहा के ना अभी मेरी आंखें देखो पता नहीं इचिंग बहुत हो रही थी, लाल लाल हो चुकी है पूरी, खुजली हो रही है ज़्यादा, है ना, थोड़ी बहुत हो गई, तो शर्मा जी को देते खाना, उसके बाद मिलती हूँ आपसे, लेके जा रही हूँ। यहाँ सिद्धार्थ का सूप चल रहा है आराम से कोई नहीं लेके भाग रहा, यहाँ शर्मा जी का नाश्ता हो रहा है टाइम, थक जाओगे। हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जर्मिन की शर्मा ऑफिशियल, कैसे हैं आप सब, भाइयों बच्चे होंगे तो वेलकम बैक, और आज हो रही है बारिश, और पता ना कौन कौन मेरी तरह करता है कि मैं नहा के रेडी हो चुकी थी उसके बावजूद बारिश हुई, मुझे पता चला कि बारिश हो रही है, मैं तुरंत बारिश में भीगने के लिए आ गई, कुछ रील भी शूट कर रही हूँ, और इधर मेरा बेटू भी है साथ में, देखो
हम दोनों ऐसा है ना, छाता लेके। और मैं तो ऐसी, बस मुझे बारिश इतनी पसंद है ना, बस क्या बताएं हम ले रहे मौसम के मजे। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊं, वैसे तो ये वीडियो यूट्यूब पे शूट हो रही है, तो ये आपको मैं वेदर दिखाती हूँ। पीछे कितना प्यारा नज़ारा है, मैं भी देखो कुछ इस तरीके से। और ये मेरी टेरेस का हाल, ये स्टैंड है मेरा, ये देखो। तो आप लोग बताना कहाँ से मुझे देख रहे हो, कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर देना, वहाँ से भी बच्चे हाय हाय कर रहे हैं, हेलो। बताइए हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? जमीन पे। आ गए हम लोग ससुराल रिसोर्ट के चाय पीने के लिए। ससुर जी आ जाए तो चाय बनाऊंगी। ससुर जी का फ़ोन आया था तो बोल रहे थे क्या लेके आऊँ, समोसे खाओगे, समोसे लेके आऊँ चाय के साथ। मैंने कह लिया, मौसम अच्छा हो रहा था, बारिश वाला हो रहा था क्या, बारिश भी हुई थी, तो मैंने कह लिया समोसे लिया ना, तो पापा आते हैं तो मैं चाय बनाने जाती हूँ, फिर चाय समोसे खाएंगे। बैठे हैं अभी यहीं, सिद्धार्थ लगा हुआ है बाहर पूरी बालकनी के लिए करने में, बंद कर दे पानी। आते हैं तो मिलवाते हैं, पापा गए दिल्ली, ससुर जी आने वाले हैं, तो उसमें चाय शाय पिएंगे, फिर रात के डिनर की तैयारी करेंगे, ये करेंगे ब्लॉग का एंड। इसका इधर चल रहा है, इधर टीवी चल रहा है, टीवी का धसकी है, लड़का मानता नहीं है। इधर मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की सब्जी, आलू और बैंगन। ये आलू बैंगन है, बैंगन ऐसे काटो लंबे लंबे। इतनी सी बारिश में सूखी नदियां बाढ़ आ गई हैं, इतनी जल्दी बारिश हो गई है। We'll be right back.
गर्मी से बेहाल हूँ। ये तो बन चुकी है आलू बैंगन की सब्जी, मैं कैमरा करके दिखाती हूँ। इधर बन चुकी है आलू बैंगन की सब्जी, इधर बनाने जा रही हूँ मैं दाल। प्याज व्याज चढ़ा दिए, रोटी इधर मैंने बना दी है, अभी घी लगाना बाकी है। बहुत ज़्यादा अब लिमिट हो रही है पार, एक पानी की बॉटल रखती हूँ तब जाके मैं खाना बनाती हूँ। गर्मी बहुत है, गर्मी, ये लोग इधर खाना बन रहा था तो ये लोग गए उस वाले रूम में, इसी वजह से चलाने ना, कोई नहीं है रूम में, देख सकते हो कोई नहीं बैठा इधर। ये देख लो पसीने, गर्मी से पिंपल्स भी हो गए, देखो। तो फटाफट दाल बनाती हूँ, खाना लगाती हूँ और किचन से बाहर। नदियाने नहीं दिलाया, मैंने सोचा होगा खाली है, प्यास लग रही है। तो गाइस आ गए अपने रूम में सोने। तो रात का छोटा सा ब्लॉग था, रात डिनर में बनाई थी मैंने दाल रोटी एंड सब्जी, आजकल मैंने राइस छोड़े हुए हैं खाने। आजकल मैं राइस नहीं बना रही हूँ डिनर में, पापा होते तो बनते हैं, अदरवाइज मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि चावल खा खा के फैटी होते जा रहे हैं ना, इसलिए। तो आज का मेरा कुछ खास नहीं, बस छोटा सा ब्लॉग था। आज बारिश भी हो गई, बारिश में नहा भी लिए, ब्लॉग का ब्लॉग भी बन गया। पापा को भी फ़ोन किया था, पापा भी डाली पहुंच चुके हैं, अब देखो पिकअप मिलेगा तो वहाँ से चलेंगे। कि बस मैंने कहा ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए करते हैं ब्लॉग का यहीं एंड। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जन्मेंगी शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। टाइम हो रहा है 11:12, तो सोते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट मॉर्निंग।